भारतीय क्रिकेट टीम सिडनी शहर में जिस होटल में क्वारंटाइन है, बीते दिनों उससे तकरीबन 30 किलोमीटर दूर क्रोमर पार्क के पास एक प्लेन क्रैश हो गया। इससे वहां खेल रहे स्थानीय क्रिकेटर और फुटबॉलर परेशान हो गए। जब प्लेन हादसे का शिकार होकर मैदान के पास आकर नीचे गिरा, तब मैदान पर क्रिकेट और फुटबॉल मैच खेले जा रहे थे। विमान को नीचे अपनी तरफ देख आता खिलाड़ी घबराकर भागने लगे। क्रोमर क्रिकेट क्लब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ग्रेग रोलिंस ने कहा कि शेड में जो खिलाड़ी थे, मैं उन पर चिल्लाया, मैंने कहा भागो और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चिल्लाकर भागा और वह किसी तरह शेड के ऊपर आ गए। इससे 12 लोग आ गए। विमान एक फ्लाइंग स्कूल का था जो इंजन में खराबी आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 2 लोग चोटों के बाद भी जिंदा बचने में कामयाब रहे। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद शनिवार को लंबे अरसे के बाद ट्रेनिंग की। टीम बीते गुरुवार को यूएई से यहां गई थी। शुक्रवार का दिन खिलाड़ियों ने सिडनी ओलंपिक पार्क में होटल में बिताया। टीम इस वक्त सिडनी ओलंपिक पार्क के पुलमैन होटल में क्वारंटाइन है। न्यू साउथ वेल्स की सरकार ने भारतीय टीम को क्वारंटाइन में रहते हुए ट्रेनिंग करने की इजाजत दी है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने शनिवार को दिवाली के दिन जिम और रनिंग की।